हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। और भाई आज की जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई ये वीडियो के अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ना 100% वर्किंग है। और भाई ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो ना उसके बाद बहुत ही इजीली एक स्कॉट को भी वाइप आउट कर पाओगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी ये भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो जो भैया मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो ना प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आपका छोटा भाई का चैनल को, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसा नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। तो भाई चलिए शुरू करते आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी सेटिंग। तो भाई देखो सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर ये जो जनरल है ना, आपके पास कोई सा भी डिवाइस है, 1 GB रैम की डिवाइस है या भाई 12 GB रैम की डिवाइस है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जनरल है ना जनरल को 100 ही कर दो, ठीक है। और उसके नीचे जो रेड डॉट है ना रेड डॉट को भाई आप लोग कर दो 95। तो भाई 95 ही रहने दो, ठीक है, 100 मत करो। 100 करोगे ना भाई मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही रिक्वेल हो रहा है, तो भाई 95 तक ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। सेकेंड पॉइंट है फायर बटन साइज़। तो भाई देखो बहुत भैया मेरे को कमेंट में बोलता है भाई फायर बटन साइज़ कितना रखो, और भाई आपका फायर बटन साइज़ बता दो, ठीक है, मेरा जो फायर बटन साइज़ है वो भी बता दूंगा। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं मेरा फायर बटन साइज़ है 45%, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो भाई मैं बोलूँगा फायर बटन साइज़ अप कर दो 40 से 50 के बीच में, ठीक है। और भाई आप लोग कौन सा मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से बंदे को आप हेडशॉट नहीं लगा पाते हो, हेडशॉट से किल नहीं आता है? तो भाई देखो आपके सामने कोई भी बंदा है और आप लोग क्या करते हो, ये जो क्रॉस एयर है ना क्रॉस एयर व्हाइट रखने के बाद ही आप लोग क्या करते हो ड्रैग करते हो, और भाई आपको ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है बॉडी शॉट, और भाई कभी कभार हेडशॉट लग जाता है। भाई ये नहीं बोलूंगा हेडशॉट नहीं लगता है, ठीक है, हेडशॉट लगता है, कभी कभार हेडशॉट लग जाता है और भाई मिस होने का चांस बहुत ही रहता है। और भाई मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना एक भी गोली मिस नहीं होगा। तो भाई चलिए सीक्रेट जो ट्रिक है दिखाते हैं। तो भाई आपके सामने कोई भी बंदा है और सबसे पहले आपका जो क्रॉस एयर है ना क्रॉस एयर एनिमी की चेस्ट के ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। चेस्ट के ऊपर लेने के बाद ही आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ड्रैग करना है, और भाई ड्रैग करने के बाद आपको ऐसा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और भाई बहुत ही इजीली बंदे को हेडशॉट दे पाओगे। तो भाई मैं एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, ये वीडियो क्लिप आप अच्छे से फॉलो कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो भाई देखो मेरे सामने एक एनिमी है, ठीक है, और मेरा क्रॉस एयर किधर है, एनिमी की चेस्ट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या किया, थोड़ा सा ड्रैग किया और भाई देखो हेडशॉट लग गया। ये जो ट्रिक है ना भाई 100% वर्किंग है। ट्रिक देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास स्क्वाड गेम प्ले स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो ट्रिक बताया ना ट्रिक फॉलो करो और भाई बंदे को टपाटप हेडशॉट दे दो, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। तो भाई आज की जो वीडियो है सबको कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता देना, और जो भैया मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो ना प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना आपका छोटा भाई का चैनल को, क्योंकि आपका जो भाई है ना ऐसा नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। और भाई आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।